हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज वेला हेयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके सो दोस्तों, अभी मैं अरुणाचल से मैं जा रही हूँ मुंबई। अभी ईटानगर में हूँ, यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा गुवाहाटी बाय रोड एंड वहाँ से मतलब बाइकल से एंड वहाँ से फिर गुवाहाटी से फिर मेरा फ्लाइट है सीधा मुंबई के लिए। सो अभी यू नो थोड़ी सैड मोमेंट है, मुझे लगा कि मैं ब्लॉग्स नहीं बनाऊं। फिर आई फील कि मुंबई से यहाँ अरुणाचल का मैं ब्लॉग्स बनाई हूँ, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, हाँ अरुणाचल टू मुंबई का भी ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाना चाहिए। एंड आई फील वेरी सैड क्योंकि अभी काम काम तो इम्पोर्टेंट है। अभी सुबह का 3:30 हुआ है और अभी गाड़ी बस आ ही रहा है मेरे घर के बाहर एंड का सैड हूँ बट आई कैंट हैंडल सो चलो ठीक है गाइस, मैं ब्लॉग्स कंटिन्यू रखती हूँ आप लोगों के लिए। अरुणाचल तो सीधा गुवाहाटी में मैं आप लोगों को मिलती हूँ गुवाहाटी में। सो उससे पहले यहाँ जो भी मोमेंट हो रहा है आप सब देखिएगा। दोस्तों अभी मैं निकल रही हूँ ऊपर घर से और मैं पापा से आप लोगों को मिलवाती हूँ। बाय 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 करो पापा, ठीक है पापा, ध्यान रखो अच्छे से। हाँ और हाँ बोलो, इतना दूर जगह में ये होता है बाबा, तो ध्यान तो दे रही है। एक्चुअली पापा नींद से अभी उठे हैं क्योंकि रात भर सोए नहीं, अभी सुबह के 4 बज रहे। और ये मम्मी, हाँ हाँ छोटा भाई बेचारा नींद से उठा है। और ये मेरी सिस्टर, अच्छा मतलब कजन सिस्टर है, ये भी बेचारी रात से सोई नहीं है। और बड़े भाई से मिलाती हूँ मैं आप लोगों को, मिलवाती हूँ। चलो से हाय बोलो कि आप मेरे को अच्छे से ट्रैवलिंग करनी है। अच्छे से ड्राइविंग करना एंड हैप्पी जर्नी। ओके ट्रैवलिंग करना बोलना। हाँ चलो ओके, ये मेरे छोटे भाई हैं, सेफ जर्नी, थैंक यू। और यहाँ से अभी हम सीधा जाएंगे गुवाहाटी एंड गुवाहाटी में मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मैं जा रही हूँ बाय रोड फर्स्ट टाइम। सो रास्ते में जो भी व्यूज़ दिखेगा मैं आप लोगों को जरूर दिखाने के लिए ट्राई करूँगी। और थोड़ा सैड हूँ अभी रिटर्न अरुणाचल में कब वापस आऊँगी आई रियली डोंट नो। बहुत रो चुकी हूँ मैं और नहीं रोना चाहती हूँ मैं, क्योंकि घर पे मैं एक्चुअली ब्लॉग नहीं बनाने के लिए सोच रही थी घर पे ना, क्योंकि बहुत सैड फील सैड मोमेंट ही मेरे लिए एंड मैं सच में और नो बी स्ट्रांग स्ट्रांग रहना चाहिए हमें, है ना।
अगर मैं स्ट्रांग रहूँगी तो तभी आप लोग को मैं बहुत चीज़ें दिखा सकूँगी अपने लाइफ के बारे में, है ना। सो चलो ठीक है गाइस, मैं कंटिन्यू रखती हूँ ब्लॉग्स आप लोग के लिए। मोजिने मोपीने नको बदलते। सो दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ गुवाहाटी और अभी मैं एयरपोर्ट के पास, कौन सा जगह, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी जालुकबारी। तो गुवाहाटी में जालुकबारी में मैं स्टे करने वाली हूँ एयरपोर्ट के पास, क्योंकि मेरा फ्लाइट नेक्स्ट मॉर्निंग है। तो वहाँ मैं अभी रेस्ट करूँगी और जैसे मैं एयरपोर्ट के लिए मैं निकलूँगी मैं आप लोग से मिलूँगी, ठीक है। ओके सो दोस्तों अभी मैं गुवाहाटी में हूँ और गुवाहाटी में यहाँ होटल पर रुकी हूँ। ये होटल का नाम है वाइट ऑर्सिड गेस्ट हाउस। यहाँ अरुणाचल का ही कुछ रिलेटिव है, तो और ऑनर अरुणाचल का है और यहाँ पे अरुणाचल का डिश भी मिलता है। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी जस्ट मॉर्निंग हुई है एंड और मैं फ्रेश हो गई हूँ और अभी यहाँ से मैं निकलूँगी एयरपोर्ट, मतलब एयरपोर्ट पास में ही है। सो मैं भी ड्रेस चेंज करती हूँ, ड्रेस चेंज करके मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। आई पिंटम जुला दो दिला जुला दो दिला जाकर जाला मो भाग दो कूना दुगुया मो दो वो बंदा ले रहा है मेरे लिए ट्रॉली, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू दादा। सो दोस्तों अभी मैं लाइन में लगी हूँ बैग चेकिंग के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो कितने लंबे लाइन है। ओके सो बोर हो रही हूँ। ओके सो दोस्तों मेरा हो गया है एंट्री एयरपोर्ट के अंदर, बैग चेकिंग हो गया है, वेब चेकिंग हो गया, अभी मेरे को ऊपर जाना है। ये लिप भी बंद है तो पैदल जाना है, मेरी हालत ख़राब हो गई। फ़ोन यार एयरपोर्ट में दिखना चाहिए ना, थक गई हूँ मैं। सो ये है गुवाहाटी एयरपोर्ट जिसमें लिप खराब है और पैदल ऊपर जाना होता है इंसान को, और आई डोंट नो वेयर इज गेट नंबर 8। सो आप लोग के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, प्लीज़ शेयर तो बनता है, लाइक तो बनता है और मीठी मीठी कमेंट्स बनता है। सो वेयर इज गेट नंबर 8 के नीचे का फाइनली गेट नंबर 8 मिल गया और यहाँ भी मैं रेस्ट करूँगी थोड़ा, मे बी 15 मिनट एंड उसके बाद मेरे को अंदर जाना होगा फ्लाइट में एंड सीधा मुंबई। सो कैसा रहा है वो देखो।
यहाँ से अभी मेरे को कुछ खाना है क्योंकि मैं बहुत भूखी हूँ। सो लेट्स सी क्या खाना है मेरे को। कितना हुआ? अभी मैं यहाँ फ्लाइट में एंट्री करने जा रही हूँ, यू कैन सी। और मैं आप लोगों को सीधा मुंबई में मिलती हूँ, ठीक है। एक्चुअली अलाउ नहीं है वीडियो, पर फिर भी मैं बना रही हूँ। जी मैं बैठ गई हूँ फ्लाइट में और यहाँ से मैं सीधा मुंबई, एंड मुंबई में मैं आप लोगों को मिलती हूँ, ठीक है। एंड यू कैन सी यहाँ अभी मेरे को बोलेंगे कि वीडियो अलाउ नहीं है। तो यार ट्रैवलिंग कर कर के परेशान हो गई मैं। आपकी कुर्सी के ऊपर लगे पैनल से अपने आप नीचे आ जाएंगे। आप अपनी कुर्सी पर बैठे रहें और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए ऐसे अपनी ओर खींचे और नाक और मुंह ढक कर सांस लेते रहें। ऑक्सीजन मास्क पहनने से पहले अपना फेस मास्क जरूर उतारें और दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मास्क सही तरीके से पहनें। इस विमान में 8 आपातकालीन द्वार हैं, 2 सामने 2 पीछे। तकलीफ हो रहा है, बैग पकड़ो, ब्लॉग्स बनाओ, फ़ोन पकड़ो, पता नहीं क्या क्या पकड़ना पड़ेगा, ये पकड़ो, आई डोंट नो। बहुत तकलीफ हो रहा है ब्लॉग्स के लिए भी, बट फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ ब्लॉग बनाने के लिए आप लोग के लिए, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। यहाँ हम सब वेट कर रहे हैं बैग का, वो रही बैग। कम जल्दिया, This is my bag. Oh my god. अब चलो अपने बेटे के पास। ये इसके बेटे हैं और ये इसका मम्मा है, पापा है। तो ये आने में लेट कर दिया, इसके बच्चे कब से वेट कर रहे थे। चलो अभी साथ में बैठते हैं दोनों। ओके सो फाइनली मैं अभी बाहर एयरपोर्ट के बाहर हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और अभी यहाँ से मैं सीधा मेरे घर पे जा रही हूँ और गर्मी बहुत है, हालत ख़राब हो रही है मेरी, बहुत गर्मी हालत ख़राब हो रही है। एंड थैंक यू सो मच गाइस आप लोग इतना प्यार देने के लिए। सो मैं ब्लॉग यहीं तक एंड करना चाहूँगी एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आती रहूँगी। आज के लिए बस यही तक, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग पे। सो बाय।